जम्मू संभाग में लगातार हो रहे हमलों से इलाका सेना के सुरक्षा घेरे में है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ रविवार को दूसरे दिन आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया। माना जा रहा है कि यह 3 से 4 आतंकियों का दल है। इस बीच मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में घायल एक नागरिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बलिदानी 2 जवानों को सेना ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत को याद रखा जाएगा। IGP कश्मीर VK वर्दी ने बताया कि जिले के कोकरनाग के ऊपर इलाके गंगर मांडू में ऑपरेशन ताबड़तोड़ जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि ऊपरी इलाके में आतंकी मौजूद हैं। इस आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होने पर छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। शुरुआती फायरिंग में घायल 2 जवान बलिदान हो गए। इनकी पहचान हवलदार दीपक कुमार यादव व लांस नायक परवीन शर्मा के रूप में हुई है। फायरिंग में घायल 2 नागरिकों में अब्दुल राशिद डार की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई, वहीं दूसरे घायल नागरिक की हालत गंभीर बनी हुई है। मुठभेड़ शुरू होते ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी गई ताकि आतंकी भाग न निकले। अनंतनाग से सटे किश्तवाड़ा के इलाके में घेराबंदी कड़ी रखी गई। 10,000 फीट की ऊंचाई तक भौगोलिक चुनौतियों वाला इलाका होने के कारण ऑपरेशन चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुरक्षा बल अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान न हो पाए। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने के लिए अत्यधिक विदेशी प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेज रहा है। पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है और सुरक्षा बल को फिर से तैनात किया जा रहा है। अगले 3 महीनों में स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू में एक बार एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने उनसे कहा कि निश्चित तौर पर पिछली आतंकी वारदातें दुखद हैं, भविष्य में इन घटनाओं को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने रणनीतिक समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह द्वारा प्रशिक्षित लोगों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराकर यहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के दावे के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने स्वीकार किया कि उच्च प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादी इस क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, सभी बातों को सार्वजनिक रूप से बताना जरूरी नहीं है। VideoDex AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।